गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज हम लोग मैथ्स क्लास फोर का पढ़ेंगे, जिसमें नंबर एंड नंबरेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसके पहले आप बताइए, आप लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं, घर पर अपने मम्मी पापा का बात मानते हैं, और क्या जितने क्वेश्चन मिले थे वे सभी बना लिए हैं? यदि बना लिए हैं तो उसे सुरक्षित रखेंगे, जब विद्यालय आपको खुलेंगे टोटल उसका क्वेश्चन आंसर ले लिया जाएगा और उसको जांच किया जाएगा, और जो मैथ्स आज हम बतला रहे हैं उस मैथ्स को भी बनाएंगे, उसको क्वेश्चन हम एक्सरसाइज भी भेज रहे हैं, टोटल बनाना है सुंदर सुंदर राइटिंग में। स्कूल कॉपी जो पुरानी कॉपी है उस कॉपी में ही आप बनाइए, बना करके रखिएगा, सब जांच होंगे। प्यारे बच्चों देखें, नंबर एंड नंबरेशन। तो नंबर जानते हैं कि डिजिट के मिलने से नंबर बन जाता है। तो नंबर कौन कौन नंबर है? डिजिट से नंबर बनता है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देयर आर 10 डिजिट, और 10 डिजिट से ही मिलने से नंबर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 12 लिखना है, 2 डिजिट का नंबर, तो कितना 1 और 2 लिख दिए 12 हो गया। 98 लिखना है तो 98, इसी से एक 9 ले लिए यहाँ और 8 ले लिए, 98 लिखा गया, तो ये नंबर हो गया। अब आप आइए चैप्टर पर। चैप्टर कहता है राइट द नंबर। अब ये देख रहे हैं कि फिगर बनाया हुआ होगा जो मैं भेजूंगा, उसमें देखिएगा आपका ये जो दिया हुआ रहेगा उसमें कैसे दिया हुआ है, ये चीज को आप देखेंगे। तो ये जो दिया हुआ है आपका, देखिए इसमें 10 ऐसे ऐसे बॉक्स बना रहेगा, ये सब में देखा है कि कितना बना रहेगा, 1000 बना हुआ रहेगा, और दो वो है तो 2000 हो गया, और ये 100 इसमें बना रहेगा, कितना बना हुआ रहेगा 100, इसमें दो है तो 200, ये दो है तो 200, और ये 1000 यहाँ बना हुआ रहेगा। तो अब उसी चीज को लिख देना है। पहले क्या 1000, तो 1000 कैसे, 1, 10, 100, 1000 के प्लेस पर 1000 लिख दिया, ठीक है। फिर कितना है 100, देखिए 200, 200, 400, 100, 500, तो 100 की जगह पर 1, 2, 1, 10, 100, 100, 500 लिख दिया गया। अब यहाँ देखिए 10 की जगह पर 2 10 है, 1, 1, 2, तो 2 लिख दिया गया। 1 के प्लेस पर कितना है 1, 2, 3, तो 3 लिख दिया गया। टोटल आपका हो गया 1523। इसी तरह से सेकंड आपको बना लेना है, राइट द नंबर नेम। नंबर नेम कैसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट द नंबर नेम। तो आप यहां से रीड, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, हाउ मेनी थाउजेंड, 2000, तो 2000, ठीक, राइट। 400, हंड्रेड एंड 65, राइट 65,
65। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से नंबर नेम में लिखा गया। और ये नंबर कैसे, देखिए वर्ड में था तो चेंज इनटू नंबर, तो कैसे लिखेंगे? अब 4000 टेबल है, 4407, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, हाउ मेनी थाउजेंड? 4000, 4000, 400, 100, वंस टेंस हंड्रेड, 400, 7, 7, बीच में एक पॉइंट रह गया था, एक पर क्या है? जीरो बैठा दिया। तो अब देख लीजिए कितना, इसको पढ़ के भी देख लीजिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 4000, 407। अब इसमें देखना है हु ग्रेटर, तो जिधर ग्रेटर रहेगा उधर की ओर ऐसे मुंह कर देंगे, जिधर रहेगा ग्रेटर ऐसे, तो ग्रेटर कौन है? अब यहाँ पर देख लीजिए 2390, अब 2500, अब ये 300 और 500 मतलब इधर ग्रेटर है तो उधर की ओर मुंह कर देंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो 2319 इज स्मॉलर देन 2519, and in other words 2519 is greater than 2319, understand? And यहाँ प्लेस वैल्यू, जो रिंग किया हुआ है इसका प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू हम सब के निकालते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो थाउजेंड पर है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया? वंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इधर से राइट साइड वंस हम वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस वैल्यू हो गया, तो थाउजेंड 7000 इस तरह से निकाल देंगे, प्लेस वैल्यू कहेगा तो 4 का कहेगा तो 400 हो जाएगा, 7 का कहेगा तो 70 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से राइट इन शॉर्ट फॉर्म। क्या शॉर्ट फॉर्म? तो कैसे है भाई? तो देख रहे हैं 2456, तो अब यही चीज को लिखना है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 2456, ऐसे लिख देना है। अब एक में कारा पैर में जो दो चीज होता है, एक होता है